Hacker. Hacker. मुझे पता है आप YouTube पर बहुत सारी सेंसिटिविटी की वीडियोस को देख देख कर थक चुके हो, बट फिर भी आपके ना ही वन टैप लग पाते हैं एंड ना ही आपके ड्रैग एरर्स लग पाते हैं। सो गाइस, ये सब इसलिए होता है बिकॉज आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखते नहीं हो एंड इधर उधर से सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हो। अब गाइस, को दूसरे बंदे की सेंसिटिविटी को कॉपी करने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज जिस बंदे की आप सेंसिटिविटी को कॉपी कर रहे हो ना गाइस, उसके पास एक डिफरेंट फोन है एंड आपके पास एक डिफरेंट फोन है। आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखना पड़ेगा, तभी आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सभी डिवाइस के लिए बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। चाहे आपके पास कोई सा भी डिवाइस है, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM, 4GB RAM, 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, मैं सभी डिवाइस के लिए बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बता दूंगा। एंड इसके अलावा गाइस, देखो, हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी के साथ साथ आपका जो भी फायर बटन का साइज एंड पोजीशन भी मैटर करता है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दो एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ मैं सेंसिटिविटी वाली सेटिंग में आ चुका हूँ एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी सेंसिटिविटी की सेटिंग देखने को मिल जाती है, जैसे जर्नल, रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप, स्नैपर स्कोप एंड फ्री लुक। तो बस यहाँ पर आप जितने भी सेंसिटिविटी देख रहे हो ना, हर एक सेंसिटिविटी का अपना अलग अलग काम होता है एंड आपको हर एक की वैल्यू को अपने अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो मैं सभी डिवाइस के लिए सभी की वैल्यू को अलग अलग बताऊंगा, बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से लास्ट तक वॉच करना है। अब गाइस, को सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस, को वैसे तो फ्री लुक का और हेडशॉट का कोई भी कनेक्शन नहीं होता, आप इसकी वैल्यू को जितना चाहो उतना रख सकते हो। बट गाइस, अगर बात की जाए बेस्ट फ्री लुक सेंसिटिविटी के बारे में, तो चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस है, चाहे आपके पास हाई एंड डिवाइस है, आपको हर एक डिवाइस में अपनी इस फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी को 80 यानी गाइस आपको 80 रख देना है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो हर एक डिवाइस के लिए परफेक्ट है। अब गाइस, को इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस, को ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करती है जब आप अपने फ्री फायर गेम में किसी भी स्नैपर गन, जैसे ओम, कार 98, M82B या फिर फ्री फायर गेम के अंदर जितनी भी स्नैपर गन है, अगर आप किसी भी स्नैपर गन के स्कोप को इन करके इनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो वहाँ पे आपकी स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो गाइस, अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी स्नैपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 70 यानी गाइस आपको 70 रख देना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है, जैसे 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी स्नैपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 50 यानी गाइस आपको 50 रख देना है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस, को ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में 4x का स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो, तो वहाँ पे आपकी 4x स्कोप सेंसिटिविटी वर्क करती है। तो गाइस, अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो गाइस आपको ऐसे डिवाइस में अपनी 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 160 यानी गाइस आपको 160 रख देना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है, जैसे 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 140 यानी गाइस आपको 140 सेंसिटिविटी को रख देना है। अब गाइस, देखो, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस, देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में 2x का स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो। तो गाइस, अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 170 यानी गाइस आपको 170 सेंसिटिविटी को रख देना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, जैसे 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 150 यानी गाइस आपको 150 रख देना है। इसके बाद गाइस, हम बात कर लेते हैं
रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, मैक्सिमम प्लेयर को पता ही नहीं होता कि ये वाली सेंसिटिविटी कब वर्क करती है। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करती है जब आप किसी भी लॉन्ग रेंज की गन में कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो, एंड जब वहाँ पे वो डिफॉल्ट 1x का छोटा वाला स्कोप आता है ना, उसी को बोलते हैं गाइस रेड डॉट की सेंसिटिविटी। अब गाइस देखो, अगर आपके पास लो एंड डिवाइस है जैसे 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 165 यानी गैस आपको 165 सेंसिटिविटी को रख देना है। बट गैस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है जैसे 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो गैस आपको ऐसे डिवाइस में अपनी रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को 145 यानी गैस आपको 145 सेंसिटिविटी रख देनी है। अब गैस उसके बाद हम बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी यानी जर्नल सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, हेडशॉट मारने के लिए ये वाली सेंसिटिविटी काम आती है, तो आपको इसको ध्यान से समझना है कि आपको कौन से डिवाइस में इस वाली सेंसिटिविटी को कितना रखना है। अब गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को 180 यानी गाइस आपको 180 सेंसिटिविटी रख देनी है। अब गाइस देखो, अगर आपके पास भी लो एंड डिवाइस है ना, तो 180 सेंसिटिविटी पर आपके इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको अगर हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के बारे में, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है जैसे 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को 160 यानी कि आपको 160 सेंसिटिविटी रख देनी है। अब गाइस देखो, मैं खुद एक हाई एंड डिवाइस यूजर हूँ, मेरे पास 6GB RAM का डिवाइस है, मैं उसमें 160 सेंसिटिविटी पर ही खेलता हूँ, मेरे इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगते हैं। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में गेम प्ले भी देख लिया होगा। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है तो उसमें आपको 160 सेंसिटिविटी रखनी है, आपके भी इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब गाइस देखो, ये बात रही सेंसिटिविटी के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अब गाइस देखो, हेडशॉट मारने के लिए आपका जो भी फायर बटन का साइज एंड पोजीशन भी सही होना चाहिए। तो गाइस अब मैं आपको बेस्ट फायर बटन का साइज एंड पोजीशन भी बता देता हूँ। अब गाइस देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के बारे में। अब गाइस देखो, बेस्ट फायर बटन की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कुछ करना है, जो भी आपका फायर वाला बटन है ना, उसको आपको ऊपर ले जाना है, जहाँ से आप देखते हो ना कि कितने बंदे अलाइव हैं, उसके जस्ट ऊपर आपको अपने फायर बटन को ऐसे रख देना है, एंड उसी के जस्ट नीचे एकदम सीधा आपको अपने फायर बटन को ले आना है। तो इसी के जस्ट नीचे फायर बटन होना चाहिए। एंड इसके अलावा गाइस देखो, आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो भी फायर वाला बटन है ना, वो ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका फायर वाला बटन ज़्यादा ऊपर रहेगा तो आपको ड्रैग करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा, तो आप ड्रैग ही नहीं कर पाओगे। अगर आप ड्रैग नहीं करोगे तो आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट भी नहीं लग पाएंगे। तो आपको अपने फायर वाले बटन को थोड़ा नीचे रखना है, जहाँ पे मैं रख रहा हूँ वहाँ पर आपको उन्हें फायर वाले बटन को रखना है, एंड जहाँ से आप देखते हो ना कितने बंदे अलाइव हैं, उसी के जस्ट सीधा नीचे रखना है। तो वैसे आप देख सकते हो, अगर आप फायर बटन को थोड़ा नीचे रखोगे तो आपको ऊपर ड्रैग करने के लिए भी स्पेस मिल जाएगा, आप इजीली ड्रैग भी कर पाओगे, एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने फायर बटन की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम फायर बटन के साइज के बारे में। तो ऐसे को आप अपने फायर बटन को 10 से लेकर 100 तक इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है जैसे 1GB RAM, 2GB RAM, 3GB RAM या फिर 4GB RAM, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपने इस फायर वाले बटन के साइज को 45 यानी गाइस आपको 45 रख देना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB RAM, 8GB RAM, 12GB RAM या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपने फायर वाले बटन के साइज को 50 यानी गाइस आपको 50 रख देना है। गाइस देखो, मैंने आपको सेंसिटिविटी भी बता दी, एंड मैंने आपको बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज यार अपने भाई के लिए एक वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।